अब यहाँ पे एक और अनदर कस्टम रोम को लेके आ चुके हैं अपने पोको F3, MI11X और Redmi K40 डिवाइसेस के लिए। हालांकि ये प्री रिलीज बिल्डेड है एंड पिक्सल प्लस UI 4.3 एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड है। तो ये रहा चेंज लॉन्ग पिक्सल प्लस UI का, और यहाँ हम इसको आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में फ्लैश करने वाले हैं। तो बेसिकली मैंने अपने कस्टम रोम को डाउनलोड कर लिया है एंड अब हम लोग इस रोम को फ्लैश करेंगे ADV साइड लोड के द्वारा। हालांकि आप TWRP और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी से भी इंस्टॉल कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूँगा कि ADV साइड लोड से ही आप इंस्टॉल करें। काफ़ी सिंपल सा है, पहले आपको यहाँ मेथड बता दिया जाएगा और इसमें बहुत कम चांसेस होते हैं ADV साइड लोड में कि अभी आपका फ़ोन कभी ब्रेक नहीं हो सकता, और बूट लूप में अटकने के भी चांसेस बहुत कम जाते हैं। कभी कभी क्या होता है TWRP में कि आपका फास्ट बूट स्टक हो जाता है, बूट लोडर लॉक हो जाता है या फिर कोई फास्ट बूट आपका उड़ जाता है, तो इसमें ADV साइड लोड से इंस्टॉल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम अपने PC पे कमांड लिखेंगे फास्ट बूट डिवाइसेस। फास्ट बूट डिवाइसेस लिखने से क्या होगा कि आपके जो सिस्टम है वो आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन आपके PC से कनेक्टेड है या नहीं कनेक्टेड है। तो पहले हम लोग फास्ट बूट डिवाइसेस लिखेंगे, देन मैं अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड में कर लेता हूँ। तब तक अब ये मेरे डिवाइस का डिवाइस आईडी नेम आ चुका है। अब यहाँ पे फास्ट बूट बूट कमांड डालेंगे और TWRP को फ्लैश करेंगे। ये स्टेप वो लोग स्किप कर सकते हैं जो पहले से रिकवरी में है या ऑरेंज फॉक्स रिकवरी में है, वो लोग ये स्टेप को स्किप कर सकते हैं। इसके बाद 4 से 5 सेकेंड का टाइम लगेगा और हमारा सिस्टम फुल्ली बूट कर जाएगा TWRP रिकवरी में। इसके बाद हम एक कमांड डालेंगे ADV साइड लोड, पर उससे पहले आप अपने TWRP में एडवांस के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे ADV साइड लोड का ऑप्शन होगा, फिर नीचे स्वाइप टू साइड लोड क्लिक कर देना है आपको और स्वाइप कर देना है। उसके बाद आप अपने PC में आएंगे और ADV साइड लोड स्पेस उस फाइल को जिसको आपको फ्लैश करना है उसको क्लिक करके, उसे राइट क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप आपके कमांड लाइन में कर देना है। इसके बाद का प्रोसेस थोड़ा टाइम लगेगा, कम से कम 4 से 5 मिनट का आपको इसमें वक्त लग जाता है। तो यहाँ पे हमारी फ्लैशिंग कंप्लीट होने वाली है ADV कमांड से, और यहाँ पे एक एरर शो करता है जो कि बेसिकली एक एरर नहीं है, बल्कि वहाँ पे आपका नो एरर करके लिखा चला आता है। तो आप घबराइए नहीं कि आपका फ़ोन स्टक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फेल्ड टू, उसके बाद नो एरर लिखा था। बस इसके बाद अपने फ़ोन में सक्सेसफुली बूट कर जाएंगे। मेरे केस में मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ आपको बीच वाला होम बटन पर जाना है, वाइप करना है, फॉर्मेट डाटा करना है, यस टाइप करना है और स्वाइप करके वाइप कर देना है। उसके बाद आप सक्सेसफुली अपने सिस्टम में रिबूट कर जाएंगे। थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लगेगा बूट करने में, फर्स्ट बूट में 1 मिनट का वक्त लगेगा आपको। तो अब हम अपने सिस्टम के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे हम अपनी बेसिक सी सेटिंग स्टार्टिंग में कर लेते हैं, कंप्लीट करके आपको डायरेक्ट
अब इसके फीचर्स और इसमें क्या क्या ऐड हुए हैं, क्या क्या इम्प्रूव हुआ है, प्री रिलीज़ वर्जन में क्या क्या है वो आपको दिखा दिया जाएगा। तो यहाँ बेसिक सी कस्टमाइजेशन देखने को मिल रही है, बिल्कुल नो ऐप्स, नो ब्लॉट बेयर्स, बिल्कुल कुछ भी नहीं। तो पहले हम यहाँ फ्लाइट मोड कर लेते हैं ताकि इनकमिंग कॉल्स वगैरह मेरे फ़ोन्स पे बंद हो जाए, एंड अब सेटिंग्स पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे बेसिक सेटिंग्स अबाउट फ़ोन में जाने पे हमें बेसिक सा एंड्रॉयड 12 वर्जन, पिक्सल प्लस 4.3 प्री रिलीज वर्जन बताया जा रहा है, 5 फरवरी का सिक्योरिटी पैच, कर्नल 4.19.227 इमेंसिटी कर्नल देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से बेसिक से हम सिस्टम अपडेटर पे जाते हैं, तो बेसिकली सिस्टम अपडेटर तो अपडेट नहीं करता है क्योंकि हमें डर्टी फ्लैशिंग करना पड़ता है जो भी कर्नल्स होते हैं या कस्टम रूम्स वगैरह जो होते हैं। गेस्टर्स में आते हैं तो वहाँ गेस्टर 100 मोड है, जो आप नीचे से स्लाइड करोगे तो आपका 100 मोड आ जाएगा जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है इसमें। बेसिक कस्टमाइज्ड फीचर है, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन। हालांकि परफॉर्मेंस लेवल में ये मात खा जाता है थोड़ा, क्योंकि वो गेमिंग वेमिंग के लिए ये कस्टम रूम नहीं है। यहाँ हैप्टिक फीडबैक, फुल स्क्रीन गेस्चर, अदर रूम्स की तरह बिल्कुल सेम, कोई चेंजेस नहीं। डिस्प्ले में आपका 60/120 हर्ट्ज डिस्प्ले, एम्बिएंट इक्विलाइजर थोड़ा कुछ नया देखने को मिला इसमें, और स्टेटस बार आइकन्स क्या आप इसमें ऐड करना है, क्या इसको आप हटाना है वो आप यहाँ से देख सकते हो। रिफ्रेश रेट, मिनिमम मैक्सिमम रिफ्रेश रेट सेम, कलर्स का ऑप्शन है, अडाप्टिव बूस्टेड जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो। गेमिंग में वैसा बूस्टेड अच्छा रहता है, गेमिंग के दौरान पे आपको घास वास हरी हरी दिखेंगी आपको। डार्क थीम, नाइट लाइट ऑलवेज सेम। सिक्योरिटी अपडेट में आप जाकर देख सकते हो, सिक्योरिटी अपडेट बेसिकली 5 फरवरी का है तो अपडेटेड नहीं है अभी। यहाँ डार्क थीम, थीम्ड आइकन्स वगैरह वो अदर एंड्रॉयड 12 रोम्स की तरह बिल्कुल सेम, नो चेंजेस। हाँ, यहाँ पे थोड़ा मतलब कि अलग सा ऑप्शन दिया गया है बेसिक कलर्स को, वॉलपेपर कलर्स को ऐड करने का, बाकी अदर अदर्स कस्टम रूम में ये लोग ये सब चीज़ें नहीं रहती है, मतलब दो ऑप्शंस नहीं रहते इस पर। एडाप्टिव साउंड का ऑप्शन आपको डॉल्बी एटमस की तरफ से मिल रहा है, जो आप यदि आप ईयरफोन यूज़ करते हो तो ईयरफोन के लिए आपका अलग सा साउंड, स्पीकर के अलग सा साउंड, फ़ोन के अलग सा साउंड रहता है। हैप्टिक फीडबैक का लेवल 1, 2, 3 है, आप हैप्टिक फीडबैक को ऑन ऑफ या फिर लेवल 1, 2, 3 कर सकते हैं। बैटरी में थर्मल प्रोफाइल्स में आप गेमिंग के लिए गेमिंग, स्ट्रीमिंग के लिए स्ट्रीमिंग बेंचमार्क सेट कर सकते हो। हालांकि अब कर्नल आपको दूसरा फ्लैश करना है, आप मैजेस्क से फ्लैश कर सकते हो या फिर बाय रिकवरी आप फ्लैश कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस वगैरह सेम टू सेम, बिल्कुल नो चेंजेस इसमें भी। कन्वर्सेशन नो चेंजेस। बबल्स, एक वो मैसेज वगैरह में आपको क्लिक करते ही बबल्स आ जाएंगे, आप कहीं से भी उसको स्लाइड कर सकते हो। बिल्कुल नीट एंड क्लीन स्मूथ यूआई इंटरफेस है, कोई ब्लॉट बेयर नहीं, कोई एक्सटर्नल अदर एप्लीकेशंस नहीं जो आपको डिस्टर्बेंस दे। मॉनिटर कस्टमाइजेशन, आप डिस्प्ले को कैसा देखना चाहते हो, रेड ग्रीन, आप अपने ढंग से कस्टमाइज कर सकते हो इसको। यहाँ हम स्टेटस बार में आते हैं तो यहाँ पे बैटरी के परसेंटेज, बैटरी का स्टाइल कैसा आपको देखना है, पोर्ट्रेट, सर्कल, डॉटेड वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। माइक एंड कैमरा का प्राइवेसी इंडिकेटर आपको इंडिकेट करना है तो करो, ना तो रहना है तो नेटवर्क का ट्रैफिक डिस्प्ले इसे आपको ऑन करते हैं, वहाँ पे आपको कितनी स्पीड में आपकी नेट चल रही है वो आपका शो होने लगेगा। मतलब बेसिक सा दिया है, कुछ एक्स्ट्रा वेस्ट्रा है नहीं कि ताकि आपका मतलब फ़ोन लैग करे या फिर क्रैश करे, हालांकि इसमें चांसेस नहीं होते पिक्सल यूआई में क्रैश करने के, फ़ोन के बक्स वगैरह काफ़ी कम होते हैं। लेकिन ये मैं पर्सनली बोलता हूँ कि ये गेमिंग के लिए नहीं है कस्टम लोग, जो लोग विदाउट गेमिंग सेट के हैं वो लोग इसे चला सकते हैं। बैटरी एस्टीमेट परसेंटेज वगैरह सब कुछ सेम, बटन्स वगैरह, लॉक स्क्रीन में कोई भी फीचर्स नहीं एक्स्ट्रा, नोटिफिकेशंस, वाइब्रेट ऑन कनेक्ट सब सेम, मिसलेनियस में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई एक्स्ट्रा ब्लॉट बेयर नहीं। अब यहाँ सीपीयू थ्रॉटल की बात करते हैं तो पहले अपने फ़ोन में सीपीयू थ्रॉटलिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेता हूँ।
यहाँ हम लोग 5 मिनट तक का, 5 से लेकर 10 मिनट तक का यहाँ पे थ्रोटल टेस्ट करेंगे। तो यहाँ स्टार्ट हो गया है हमारा काउंटडाउन। तो ओवरऑल सीपीयू थ्रॉटल 73%, मैक्सिमम जीआईपीएस 239 तक जा रहा है। तो ये रहा हमारा पूरा पिक्सल प्लस यूआई 4.3 प्री रिलीज़ का रिव्यू। तो वीडियो कैसा लगा आपको, सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें, सिर्फ देख के चलते ना बने, लाइक भी करें सब्सक्राइब भी करें। और जो कस्टम रूम की आपको रिकवरी चाहिए या फिर रिव्यू चाहिए, या आपको कस्टम रिकवरी चाहिए TWRP, ऑरेंज फॉक्स, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा।